और खुशी नहीं है, कम से कम संतोष है कि इतना वर्षों के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरा कहना था कि जब लोअर कोर्ट ने 8 को सजा दिया था तो उसी को बरकरार कर देते तो अति खुशी मिलती, जनता को मिलती, आप लोग को मिलती, हमको तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। क्या लगता था? वो तो हम सोच रहे थे कि इंसाफ तो मिलेगा ही, जो भी मिलेगा इंसाफ मिलेगा, देर हो रही है लेकिन न्याय तो मिलेगा, मर्डर तो किया ही है लोग हमारे पति को, इसलिए। उस समय सांसद थी, हमारे पति मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, और हालात जो सरकार थी, लालू सरकार थी, उस समय क्या होता था नहीं होता था उस बात के पीछे जाने पर भी कोई चीज मिलेगा नहीं। जो भी अन्याय हुआ है माँ भगवती को यही कहते हैं कि सजा जरूर दीजिएगा, जो लोग ने हमारे पति का हत्या किया या हत्या करवाया उसको सजा अब भगवती ही देंगी। माँ दुर्गा के आज प्रथम दिन है और हम समझते हैं कि ये चीज आएगा, हम रहे न रहे लेकिन आम जनता देखेगी। क्या वजह थी नरसंहार, क्या किया गया? अब हम लोग जिस पार्टी में थे, हम लोग उस सीट को 52 बरस पर जीत कर दिए थे। साहब का अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्य करने की शैली थी, हिम्मत से गरीबों का, लोगों का सहायता करते थे, काम करते थे, उनका नेम फेम इतना बढ़ गया था कि लोग को जलन भी तो होता है, जलन के कारण ये इंजाम करके मरवाने का काम किया, नहीं तो दूसरा क्या कारण होगा। कितने लोग मिलकर ये घटना को अंजाम दिए? हाँ, जो लोअर कोर्ट ने 8 को सजा दिया था वो सब थे उसमें इन्वॉल्व, सब था। क्या इंसाफ अभी भी बाकी है? अब इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जो दिया उसी को सिरोधार कर रहे, और जो दर्द है वो तो दर्द हमेशा रहेगा, जब तक सांस लेंगे तब तक सांस। हाँ।